नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज से हम आपको 7 दिनों तक एडवांस योगा पोजेस को करने का सबसे आसान तरीका और इनसे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। आज डे 1 में हम आपको निरालंब पश्चिमोत्तानासना को करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों, निरालंब पश्चिमोत्तानासना को आप तभी प्रैक्टिस करें जब आप पश्चिमोत्तानासना को अच्छी तरह से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो। इस अभ्यास को करने से हमारा मन शांत होता है और यह अभ्यास शारीरिक थकान, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे सभी विकारों को दूर करता है। दोस्तों, जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर यानी इंसोमिया की समस्या होती है, वह इस निरालंब पश्चिमोत्तानासना को नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, निरालंब पश्चिमोत्तानासना को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। यह अभ्यास हमारे पैरों के लिए, हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। दोस्तों, जब भी आपके सिर में दर्द या बदन दर्द, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे विकारों से घिरा है, आप इस निरालंब पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने हाथ की दो उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं, अपनी कोहनियों को जमीन पर ऐसे लगा लेते हैं, अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तनों के नीचे से लगा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही सभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद निरालंब पश्चिमोत्तानासना को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से, सबसे पहले ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं, पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं, हाथ की दो उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए सबसे पहले ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना होता है। यह निरालंब पश्चिमोत्तानासना की फर्स्ट वेरिएशन है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं, अपने घुटने को ऐसे अपने नाभि पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही निरालंब पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे या फिर धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, निरालंब पश्चिमोत्तानासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और सबसे पहले अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैरों दोनों हाथों को अपने पैरों के तलवों के नीचे से रख लेते हैं। इसके बाद वहां संदर भरते हुए ऐसे आपने धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना होता है। 30 सेकंड 2 मिनट जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। तो फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। जब आपके शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ हो तब ही आप एडवांस इन
एडवांस योगा पोजिज को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों निरालंब पश्चिमोत्तानासना को करने से हमारे पूरे शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है।